स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म के कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूं जो फीचर्स शायद कुछ लोगों को पता हो बट कई लोग इन फीचर्स के बारे में नहीं जानते हैं। तो जो लोग इन फीचर्स के बारे में नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए ट्यूटोरियल बहुत ही काम का होने वाला है। ठीक है, जो फीचर्स मैं आज बताने वाला हूं उन फीचर्स का यूज करके आप अपने गूगल फॉर्म को एक बहुत ही एडवांस गूगल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, अगर आपको अपने गूगल फॉर्म को कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज करवाना है, जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि एक गूगल फॉर्म आप बनाएं और उस एक गूगल फॉर्म से ही आप अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेस को अपने गूगल फॉर्म में सबमिट करवा पाए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप एक गूगल फॉर्म बनाते हैं जो कि क्लास थर्ड के लिए है, क्लास फोर्थ के लिए है, क्लास फिफ्थ के लिए है, ठीक है, तो आप एक ही गूगल फॉर्म में क्लास थर्ड के लिए अलग चीजों को डिस्प्ले करवा सकते हैं, अलग इन्फॉर्मेशन को यूजर से एंटर करवा सकते हैं, क्लास फोर के लिए आप अलग इन्फॉर्मेशन को यूजर से एंटर करवा सकते हैं, क्लास फाइव के लिए आप अलग इन्फॉर्मेशन को यूजर से एंटर करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप गूगल फॉर्म को कस्टमर सर्वे के लिए यूज करना चाहते हैं तो अगर कोई यूजर किसी प्रोडक्ट को पहले से ही जानता है तो उसके हिसाब से आप उसके रिस्पॉन्सेस अलग तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो प्रोडक्ट को नहीं जानता है तो वो उसके रिस्पॉन्सेस नहीं जानने वाले केस के अकॉर्डिंग फॉर्म में अपने रिस्पॉन्स को सबमिट करेगा। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि अगर वो उस चीज को जानता है तो वो दूसरे सेक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर वो उस चीज को नहीं जानता है तो वो किसी और सेक्शन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप गूगल फॉर्म के अंदर मल्टीपल कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो सेक्शंस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर आपका यूजर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उस सेक्शन के अंदर अपने रिस्पॉन्सेस सबमिट कर सकता है, और अगर वो दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो दूसरे सेक्शन के रिस्पॉन्सेस को सबमिट कर सकता है। इवन अगर आपके सेक्शंस जो हैं वो रिक्वायर्ड फील्ड को लेके बने हुए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं गूगल फॉर्म के अंदर कई सारी जगहों पे आप रिक्वायर्ड ऑप्शन का यूज करते हैं ताकि यूजर बिना उन चीजों को फिलअप करे फॉर्म को खाली नहीं सबमिट कर पाए। तो अगर आपके सेक्शंस के अंदर रिक्वायर्ड ऑप्शन भी लगा है तब भी वो पर्टिकुलर आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम हमारे गूगल फॉर्म के अंदर सेक्शंस कैसे बना सकते हैं, कंडीशंस कैसे बना सकते हैं, और अपने फॉर्म को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर यूजर्स रिस्पॉन्सेस। ठीक है, यूजर जिस तरह का रिस्पॉन्स करेगा उस तरह के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपका जो गूगल फॉर्म है वो चीज़ों को दिखाएगा और यूजर से वो इन्फॉर्मेशन लेगा जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑप्शंस को सिलेक्ट करा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारे स्टेप्स एकदम क्लियर हो जाएं। ठीक है, अगर आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे या वीडियो के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपको स्टेप्स को फॉलो करने में प्रॉब्लम है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप बिना स्किप करे देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एक मेल ओपन कर लेना है। मेल ओपन करने के बाद आपको गूगल फॉर्म ओपन कर लेना है। आपको ये देख लेना है कि गूगल फॉर्म आपका उसी एड्रेस से हो जिस मेल एड्रेस से आपका जीमेल ओपन हुआ है उसी मेल एड्रेस से आपका गूगल फॉर्म भी ओपन हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मेरा जीमेल है वो किसी और अकाउंट से लॉगिन है और गूगल फॉर्म जो है वो किसी और अकाउंट से लॉगिन है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, गूगल फॉर्म को भी उसी अकाउंट से लॉगिन कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये मेरा जो गूगल अकाउंट है ये उसी अकाउंट से लॉगिन हो गया जिससे मेरा जीमेल अकाउंट लॉगिन है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मैं ब्लैंक फॉर्म से बनाना बताऊंगा। ठीक है, ब्लैंक फॉर्म से बनाने का ये फायदा रहता है कि आप अपने फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट्स आपको नहीं लेनी है, मैं आपको यहाँ से ब्लैंक फॉर्म के ऊपर जाके ये सारी चीजें करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने ब्लैंक फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैं ब्लैंक फॉर्म के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ब्लैंक फॉर्म मिला है जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड फॉर्म। ठीक है, ये वाला जो टाइटल होता है जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है ये यूजर्स के लिए होता है, और ये वाला जो अनटाइटल्ड फॉर्म है ये आपके लिए है ताकि आप समझ पाए कि जब आपके फॉर्म सेक्शन के अंदर सारे फॉर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो आप वहाँ पे जज कर पाए कि आपका कौन सा फॉर्म किस चीज के लिए आपने बनाया था। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द फॉर्म फॉर यू एंड दिस इज द नेम ऑफ द फॉर्म फॉर योर यूजर्स। ओके, सो हियर आई एम राइटिंग conditional form or I can say that it is a survey form. Okay, survey form. Okay, ये आपने एक survey form बनाया है, मान लीजिए आपने मैगी survey form, ठीक है,
मैंने जनरली कोई भी एक टॉपिक ले लिया, उसके ऊपर मैं सर्वे फॉर्म आपको बना के बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो एक बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन आता है उसके ऊपर क्लिक करा और मैंने यहाँ पे लिख दिया है राइट योर फुल नेम। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड का ऑप्शन है जिसे मैंने रिक्वायर्ड कर दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पे फुल नेम मैंने लिख यहाँ पे फुल नेम लिखने के बाद मैंने इसे रिक्वायर्ड कर दिया। अब यहाँ से मैं इस क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देता हूँ, मैंने इसे शॉर्ट आंसर कर दिया, ठीक है, और ये रिक्वायर्ड हो गया है। अब ये एक शॉर्ट आंसर बन गया है जहाँ पे कोई भी पर्सन अपना पूरा नाम लिख सकता है और ये रिक्वायर्ड है, वो इसको खाली छोड़ के फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता है। इस फील्ड को वो ब्लैंक छोड़ के फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता है, ठीक है। जो भी आपके यूजर्स होंगे वो इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ के फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे एक और क्वेश्चन लेना है। मैंने यहाँ से एक और क्वेश्चन ले लिया है, ये प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैंने लिख दिया आर यू नो अबाउट मैगी, ठीक है, आर यू नो अबाउट द प्रोडक्ट मैगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्या आप मैगी प्रोडक्ट को, मैगी जो एक प्रोडक्ट है उसे जानते हैं, क्या आप मैगी जो एक प्रोडक्ट है उसे जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे मुझे सजेशंस आ गए हैं यस नो और मे बी, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है तो मैंने यहाँ पे इस ऑप्शंस को ऐड ऑल के ऊपर क्लिक करके ऐड कर लिया। तो यहाँ पे यस नो मे बी तीनों आ गए हैं, मुझे मे बी यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैंने इसे यहाँ से हटा दिया, ठीक है। मैं आपको दो ऑप्शन से ही कंडीशन बना के बताता हूँ कि कैसे बनता है। अब जब आपने ये दो ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे रिक्वायर्ड कर देना है, ठीक है, आपने इसे रिक्वायर्ड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शन है ऐड सेक्शन का, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड सेक्शन का, मैंने यहाँ पे सेक्शन ऐड कर दिया सेक्शन 2 of 2 और मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक और बार क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया सेक्शन 3 of 3। तो अब मेरे फॉर्म में तीन सेक्शन है, पहला सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये और तीसरा सेक्शन ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस अनटाइटल सेक्शन का नाम चेंज कर दिया है, मैंने यहाँ पे कर दिया लेट्स टेस्ट व्हाट आर यू नोइंग अबाउट मैगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने ये जो सेकंड सेक्शन है इसकी मैंने एक हेडिंग बना दी, ठीक है, कि अगर आप मैगी को जानते हैं तो हम आपसे टेस्ट लेने वाले हैं कि आप मैगी के बारे में क्या जानते हैं। और जो थर्ड सेक्शन है उसका मैंने टाइटल कर दिया है सो हेयर इज अ वीडियो अबाउट मैगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सो हेयर इज अ वीडियो अबाउट मैगी। तो यहाँ पे मैंने इस सेक्शन का नाम रख दिया है कि अगर आप मैगी को नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आपको एक मैगी का वीडियो दिखाई देगा, ठीक है। इतना करने के बाद जो मेरा फर्स्ट सेक्शन है मैं वहाँ पे वापस आता हूँ और ये जो यस नो वाला क्वेश्चन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, अभी इस पोर्शन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये जो तीन डॉट है इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया है गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, ठीक है, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। तो इस ऑप्शन का मतलब है कि जिस तरह का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का, जिस तरह का आंसर आप सिलेक्ट करेंगे दोनों ऑप्शन में से, जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो सेक्शन है वो नेक्स्ट ओपन होगा, ठीक है। अगर आपने यस करा है तो यस वाला सेक्शन ओपन होगा, अगर आपने नो करा है तो नो वाला सेक्शन ओपन होगा, ठीक है। तो मैंने इस चीज को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए जैसे मैंने इसे सिलेक्ट करा यहाँ पे आ गया कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। अब मैंने यहाँ पे यस के आगे जो कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया है कि जैसे ही आप यस को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे या नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको क्या दिखना चाहिए, तो आपको दिखना चाहिए गो टू सेक्शन 2, ठीक है। अगर आप यस करेंगे तो आप सेक्शन 2 पे चले जाएंगे, अगर आप नो करेंगे तो आप सेक्शन 3 पे चले जाएंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और मुझे यहाँ पे करना है आफ्टर सेक्शन वन कहाँ जाना चाहिए, तो कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि पहले सेक्शन के बाद कहाँ जाना है। तो पहले सेक्शन के बाद मैंने कंडीशन लगा दी है कि इट विल गो अकॉर्डिंग द ऑप्शन। तो यहाँ पे भी ये सारे ऑप्शन आते हैं, आप यहाँ से भी इस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं बट ये पूरे सेक्शन के ऊपर अप्लाई होगा, यहाँ पे वो क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप फर्स्ट सेक्शन के बाद डायरेक्टली फॉर्म सबमिट भी करवा सकते हैं बट हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्म के ऊपर जाना है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन को ही सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है, इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। इतना बनाने के बाद आपको एक चीज और करनी है, सेक्शन 2 जो है, ठीक है, सेक्शन 1 में तो आपने कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन कर दिया, सेक्शन 2 में आपको क्या करना है, सेक्शन 2 में आपको करना है आफ्टर सेक्शन 2 सबमिट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है आफ्टर सेक्शन 2 सबमिट फॉर्म एंड आफ्टर सेक्शन 3 तो डायरेक्टली सबमिट फॉर्म का ही है। देखिए यहाँ पे आफ्टर सेक्शन 3 कुछ भी नहीं है,
तो आफ्टर सेक्शन वन में आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन रखना है, जो भी ऑप्शन होगा उसके थ्रू वो नेक्स्ट सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। सेक्शन टू के बाद आपको सबमिट फॉर्म रखना है और सेक्शन थ्री के बाद ऑटोमेटिकली सबमिट फॉर्म हो जाएगा। अब ये मेरे दो सेक्शन बन गए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेक्शन टू के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है, व्हाट इज द कलर ऑफ पैकेट ऑफ प्रोडक्ट मैगी। मैंने यहाँ पे कर दिया व्हाट इज द कलर ऑफ पैकेट ऑफ प्रोडक्ट मैगी, मैगी जो प्रोडक्ट है उसके पैकेट का कलर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है येलो ब्लू रेड ऑरेंज, ठीक है, इतना करके मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा एक क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये क्विज की तरह वर्क करे ये पूरा फॉर्म, तो आप यहाँ से सेटिंग्स में जाके इसको क्विज के ऊपर क्लिक करके क्विज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे क्विज कर दिया है और यहाँ से जनरल में जाके मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। तो ये देखिए क्विज बन गया है। अब मैं इस क्वेश्चन को एक पॉइंट दे सकता हूँ जो मैंने बनाया, यहाँ पे आंसर के ऊपर क्लिक करा, येलो के ऊपर क्लिक करा और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया और डन कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बना दिया। अब ये जो सेक्शन था जिसमें मुझे वीडियो लगाना है, इस सेक्शन में आके मैंने वीडियो के ऊपर क्लिक करा, मैंने यहाँ पे करा मैगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैगी के कुछ वीडियोज आ गए हैं जो कि मैंने सर्च करे हैं, ठीक है। मैंने मैगी का एड सिलेक्ट कर लिया है और उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पे ये मैगी का जो वीडियो है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और इसी सेक्शन में मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया है और मैंने यहाँ पे लिख दिया हैव यू सीन द अबाउ वीडियो अबाउट मैगी, ओके। और यहाँ पे मैंने ऐड ऑप्शन ऐड ऑल कर दिया है, ऐड ऑल के ऊपर मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेबी का ऑप्शन मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने आंसर में वन पॉइंट कर दिया है और यस के ऊपर टिक कर दिया और डन कर दिया, ठीक है। और इसे मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। तो इस तरह से ये जो मेरा क्वेश्चन है ये यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो अब ये मेरा फॉर्म रेडी हो गया है एक तरह से, ठीक है। अब मैं इसको आपको व्यू करके बता दे रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। तो देखिए मैं आपको इसको दो बार चला के बताऊँगा, ठीक है। ये पहली बार है, यहाँ पर मैंने मेरा नाम लिख दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर सबसे पहले नो के ऊपर क्लिक करा, नो के ऊपर जैसे ही क्लिक करा मैंने नेक्स्ट करा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आ गया है, सो हेयर इज़ अ वीडियो अबाउट मैगी, ठीक है। यहाँ पे मैगी का वीडियो आ गया है, मैं इसे प्ले कर देता हूँ, ठीक है। प्ले करूँगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये वीडियो प्ले होने लग गया है, ठीक है। ये वीडियो जो है ये प्ले होने लग गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको यस कर दिया, ठीक है, ये वन पॉइंट का, और इसे मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा Your responses has recorded, ठीक है। तो अब मैं आपको सेकेंड तरीके से ये फॉर्म सबमिट करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक तरह से आपको करके बता दिया, अब मैं दूसरी तरीके से आपको करके बता रहा हूँ। तो मैंने व्यू के ऊपर क्लिक करा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आया राइट योर नेम, मैंने यहाँ पे कर दिया है राज, ठीक है। और मैंने यहाँ से येस को सिलेक्ट करा और नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करा, तो आप देखेंगे कि ये आ गया है, लेट्स टेस्ट व्हाट यू आर नोइंग अबाउट मैगी, व्हाट इज द कलर ऑफ पैकेट ऑफ प्रोडक्ट मैगी। मैंने येलो करा और सबमिट करा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फॉर्म के अंदर कंडीशन बना सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान में रखने की बात है कि जब आप इस फॉर्म को क्विज बना देते हैं तो क्विज में क्योंकि आपको रिजल्ट दिखाई देता है तो आपको आपके सारे सेक्शंस दिखाई देने लग जाएंगे। अगर इस फॉर्म को आप नॉर्मल बनाते हैं, बिना क्विज के बनाते हैं, तो आपके उन यूजर्स को आपका वो सेक्शन नहीं दिखाई देगा जिसको वो सिलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको क्विज बना देते हैं तो यूजर्स को जो है वो सेक्शंस दिखाई दे जाएंगे एट द एंड ऑफ द एग्जाम, बट अगर ये फॉर्म नॉर्मल होता है तो उन्हें सेक्शंस जो है वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में व्यू रिजल्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। व्यू रिजल्ट करने का ऑप्शन जो होता है वो सिर्फ क्विज में होता है। तो अगर आप नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं तो आपकी ये जो कंडीशनल जो फॉर्म है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। क्विजेस के अंदर आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि जो सेक्शंस है वो आपके यूजर्स को आफ्टर अटेम्प्टिंग द क्विज जब वो व्यू रिजल्ट करते हैं तो वहां पे उनको सारे सेक्शंस दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्विजेस के अंदर ये ऑप्शन भी होता है कि आप रिजल्ट को लेटर डिस्प्ले करवाएं अपने यूजर्स को, तो आप इस ऑप्शन को अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके जो यूजर्स हैं वो रिजल्ट को आफ्टर द सबमिशन ऑफ फॉर्म नहीं देख पाएंगे, वो डायरेक्टली फॉर्म के ऊपर सबमिट हो जाएगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी जो मैंने आपको दिखाया तो आप व्यू रिजल्ट कर पा रहे थे, अब मैंने क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक ईमेल एड्रेस की चीज आ गई है जो कि बाय डिफॉल्ट आ जाती है, क्योंकि आप जब मैनुअली अपने यूजर्स को रिजल्ट बताना चाहते हैं तो आपके पास उनका ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पे आप उनको रिजल्ट भेज पाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनेबल हो जाता है, ठीक है।
तो बेसिकली ये जो कंडीशनल वाली जो चीज़ है ये नॉर्मल फॉर्म्स के लिए है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर इनको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वो वर्क करेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, ठीक है, ये वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके कुछ काम आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ में आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात होगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम।